हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि सब बहुत मज़े में होंगे। और कल सबने ट्यूटोरियल सुना होगा HTML का, जो मैंने आप लोगों को पोस्ट किया था। तो दोस्तों, आज और मैं आपको बताऊंगी कि इमेज पेस्ट करने के लिए या इमेज लगाने के लिए वेब पेज पर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। उन चीज़ों को ध्यान से सुनिए। कल हम सिर्फ वेबसाइट पर इमेज लगाएंगे, हम आपको ये नहीं बताएंगे कि क्या क्या चीज़ आपको ज़रूरी है। कल हम वेबसाइट पे इमेज पोस्ट करेंगे और परसों भी हम वेबसाइट पर इमेज पोस्ट करेंगे, ठीक है? तो ज़रूरी बातों के बारे में फिर से चर्चा कर लेते हैं। वेब पेज बनाने के लिए आपको HTML आना ज़रूरी है, ये भी आप जानते हैं। इसके लिए एक टेक्स्ट फाइल होना चाहिए और आपको टैग्स पता होना चाहिए, किन किन टैग्स का आप यूज़ करके HTML लर्न कर सकते हैं और अपने वेब पेज को बेहतरीन बना सकते हैं। वेबसाइट आप डेवलपिंग का काम तब तक नहीं कर सकते जब तक आपका HTML के थ्रू वेब पेजेस बनाने आपको ना आ जाएं। HTML एक बहुत बेसिक और एडवांस कंप्यूटर की एक लर्निंग स्टेप है। इसके लिए कुछ टैग्स होना ज़रूरी है। यूँ तो हमने टेबल बनाना, कॉलम रोज बनाना, हेडर कॉलम्स बनाना, मर्ज करना, बटन, लिंक सब कुछ सीखा है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हेडिंग्स सीखी है, हेडिंग्स मैंने आपको बताई है। बॉडी क्या होती है वो भी आपको बताया है। टाइटल क्या होता है, सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। अब बात रह गई है सिर्फ इमेज की और कुछ थोड़ी बहुत ज़रूरी चीज़ों की। तो फ़िलहाल हम इमेजेस की बात कर लेते हैं। जब भी आप वेब पेज बनाएं तो पहले ये देखेंगे आप किस तरह का कंटेंट बना रहे हैं, है ना? किस तरह का कंटेंट आप बना रहे हैं, ये चीज़ें आपको देखना बहुत ज़रूरी है। जो वेब पेज बनाएंगे उस पर किस तरह का कंटेंट है। अब जिस तरह का कंटेंट है, जाहिर सी बात है आपके पास इमेजेस भी उसी तरह की होनी चाहिए। तो आप देख लो वो इमेजेस आपके पास मौजूद हैं, नहीं है तो कलेक्ट कर लो। अब कलेक्ट करोगे तो कहीं से, या तो उसका आपके पास लिंक होना चाहिए या आपके पास वेब एड्रेस होना चाहिए। लिंक या वेब एड्रेस, ठीक है? याद रखना जो मैं कह रही हूँ उसको ध्यान से सुनना। जब आप कंटेंट जो सोचोगे, जाहिर सी बात है उसके रिगार्डिंग इमेजेस, जो फोटोज़ जिसको जिसका एक्सटेंशन होता है .jpg इस इमेज फाइल का, और इसको ग्राफिक कहता है जॉज या NVDA। अब जो न्यू वर्जन आ रहे हैं जॉज के, वो तो पढ़ के भी सुना देते हैं, लेकिन बाकी जो है NVDA अभी भी उसे ग्राफिक कहता है, और जॉज के ओल्ड वर्जन में भी उसको ग्राफिक ही पढ़ता है जॉज, ठीक? क्योंकि हम VI के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो हमें वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। दूसरी बात एक और ये है कि जब वो इमेज आपने देखी कि कहाँ है, तो या तो उनका लिंक होना चाहिए या फिर वेब एड्रेस होना चाहिए जिस वेबसाइट से आप लेके उसके थ्रू। मान लो आप कोई, आपने देखा होगा कोई PPT बनाते हो, कोई इमेज डालनी होती है, तो जाहिर सी बात है आप गूगल से कहीं से तो निकालते हो, या करंट अफेयर्स के वीडियो में हमें दिखाना होता है कि कहीं कोई इमेज देनी दिखानी है किसी की, तो हम कहाँ से निकालते हैं, इंटरनेट से तो निकालते, तो वो चीज़ होती है। और अगर आपने वो डाउनलोड करके ले रखी है, आपके पास आपने बस इमेज भी नहीं है, मतलब इमेज है लेकिन आपके पास लिंक नहीं है उसका, या फिर आपके पास वो नहीं है, वेब एड्रेस नहीं है, तो आपको अपने सिस्टम की लोकेशन पता होनी चाहिए कि आपने किस लोकेशन पर वो इमेज स्टोर करके रखी है। तो वो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, ये आपको बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आप इमेज नहीं लगा सकते। दूसरी बातों का आपको ये ध्यान रखना है कि इमेज लगाएंगे तो या तो आपको, पहली बात हो गई लोकेशन, पहला वेब एड्रेस या दूसरा या उसका लिंक या फिर क्या सिस्टम की लोकेशन। दूसरी बात आपको ये होना चाहिए कि सब तरह के लोग आपके वेब पेज को या आपकी वेबसाइट को विज़िट करेंगे, तो आप सभी का ध्यान रखें। और VI पर्सन के लिए क्या करें, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में थोड़ा बहुत कुछ दें, तो उसके लिए भी कोई ना कोई टैग हमें यूज़ करना चाहिए। दो बातें हो गई। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमें जो है उसका जो क्या बोलते हैं, पिक्सल, कितना पिक्सल में है, उसके पिक्सल के बारे में पता होना चाहिए कि कितने पिक्सल की हम इमेज का कितना पिक्सल हम रखना चाहते हैं, ताकि उतना ही इसकी स्क्रीन पर, जो डिस्प्ले पर उसकी क्लैरिटी आए। तीन बातें। चौथी बात ये है कि आपको
ये भी देखना है कि कितनी हाइट पर वो इमेज आपको इंसर्ट करनी है। जब आप वेब पेज पर इमेज लगाएंगे तो कितनी हाइट आपको उस पर उसकी रखनी है, ठीक है। तो ये बातें हैं, तो ये तमाम बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर इससे पहले की चीज़ें आप भूल गए हैं HTML में, तो ये आपके लिए बिल्कुल फजूल हो जाएगा, क्योंकि इमेज के बाद इमेज के ऊपर मैं बहुत बाद में आई हूँ। पहले मैंने बटन की बात की है, उससे पहले मैंने लिंक पेस्ट करने की बात की है, उससे पहले मैंने टेबल्स की बात की है, उससे पहले मैंने टेबल्स में बहुत कुछ बात की है, कॉलम रोज़, हेडर रोज़, मर्ज एंड कॉलम्स एंड रोज़, उसके ऊपर बात करने से पहले मैंने आपको ऑर्डर लिस्ट बनाना बताई है, मैंने आपको अन ऑर्डर लिस्ट बनाना बताई है, मैंने आपको लिस्ट आइटम्स के बारे में बताया क्या है, मैंने आपको हेडिंग्स के बारे में बताया है कितनी हेडिंग्स आप यूज़ कर सकती हैं, मैंने आपको बॉडी टैग के बारे में बताया है, मैंने आपको जो टेबल में एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं उनके बारे में बताया है, मैंने आपको बॉडी में जिस तरह के एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं उनके बारे में भी बताया है, और एट्रीब्यूट्स कितने तरह के होते हैं वो भी। यूँ तो हम इमेज में भी एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं पिछली बातें भी आपसे कर रही हूँ जिसके बारे में अगर आप भूल गए तो आपको इमेज लगा के क्या करना है। तो इसलिए आपको ये तमाम चीज़ें आनी चाहिए। और हेडिंग कितने लेवल तक दे सकते हैं, बॉडी में क्या आप किस तरह की इंफॉर्मेशन देते हैं, टाइटल की क्या अहमियत है, वेब पेज का टाइटल कैसे होना चाहिए वो मैंने आपको बताया है। मैंने आपको ये भी बताया है कि हेड टैग की क्या अहमियत है, आप कोई सबमिट करेंगे चीज़ या आप कोई डाउनलोड कर रहे हैं, जब बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो उसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं आपके सामने, जो आउटपुट आ रहा है उसमें हेड टैग का बहुत बड़ा रोल है, ये तमाम मैंने बताया। और HTML टैग का तो बहुत ही बड़ा रोल बताया है, इसके बिना तो कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ तक कि फ़ाइल को सेव करने में किन चीज़ों की ज़रूरत है, हमें कोड में फ़ाइल एक्सटेंशन के साथ उसका नाम लिखना है और स्पेस की जगह हम लाइन यूज़ करें, अंडरलाइन करें उसे, ये तमाम बातें भी बताई। और टाइप्स में मैंने बताया है कि आपको हमेशा टाइप जो रखनी है फाइल टाइप वो ऑल रखनी है। तो ये तमाम चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, इमेज कल अपने पास को रखिएगा, बाकी हम वेबसाइट में जिस तरह इमेज पेस्ट करेंगे वो तमाम बातें आपको कल बताएंगे, मतलब क्या टैग्स यूज़ करके हमने इमेज को इंसर्ट किया है वैसे ही आपको करना है कल परसों, और हो सकता है आने वाले मंडे को भी हम 3-4 दिन यही इमेज को इंसर्ट करना वेब पेज पर सीखेंगे। तो इस ट्यूटोरियल से फ़ायदा उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़िए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको फ़ायदा हो। तो मिलते हैं कल की क्लास में, थैंक यू सो मच।